नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो इंडिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त यश अहिर। दोस्तों आज के इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला है ऐतिहासिक सुप्रसिद्ध देशपांडे वाड़े के बारे में, जो कि दोस्तों लगभग 800 साल पुराना है। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। के ब्लॉग में हमें कुछ सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर नंदकिशोर पाटिल सर, जो कि इस वाड़े के बारे में पूरी हमें इन्फॉर्मेशन बताने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, हाय हेलो, आइए। दोस्तों इस गेट से एंट्री करते ही आप वर्तमान काल से लगभग 800 साल पुराना ऐतिहासिक वाड़ा देख सकते हो। दोस्तों अभी ये जो मेरे पीछे पार्ट खड़ा है ना, दोस्तों एक नहीं दो नहीं पूरे 800 साल पुराना वाड़ा है। दोस्तों हम लगभग 100-200 साल पुराना हम आपको बता सकते हैं, पर ये पूरा 800 साल पुराना वाड़ा है। और दोस्तों इसका नाम इतिहास में दर्ज है, इसका इम्पोर्टेंस दोस्तों बहुत है। और हमारे पाटिल सर जो कि अभी निगरानी कर रहे हैं उस वाड़े की, दोस्तों डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। बारीक नक्शेदार काम किया हुआ है, आगे देखिए यहाँ पर आपको दिखूंगा, ये सब लकड़ी का है, सागवान लकड़ी का बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत सारा ऐसा है कि यहाँ से अंदर से बैठकर सब बातें होती थी, या फिर देखा जाता था कि बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसे बहुत सारी बारीक सारी बातें हैं इसमें। क्या दोस्तों आपको पता है विदर्भ के इतिहास में जो सुरजी अंजनगांव का ऐतिहासिक तह किया गया था वह इसी वाड़े में किया गया था, हुई या फिर तह हुआ उसको आप इतिहास का सुरजी अंजनगांव का तह बोलेंगे, जो कि 12th के सिलेबस में इतिहास में अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। 12th के जो 12वीं का जो सिलेबस होता है आर्ट्स का, तो 8 के सिलेबस में यानी कला के इसमें वो अवेलेबल है। सुरजी अंजनगांव का तह करके इंडिया में बहुत बड़ा तह हुआ था। दोस्तों जैसा मैंने कहा ये वाड़ा एक नहीं दो नहीं 100 नहीं 200 नहीं पूरा 800 साल पुराना वाड़ा है। और अभी यहाँ पे जो अभी ये जो देख रहे हैं ना एंट्री गेट, तो दोस्तों ये भी लगभग 700-800 साल पुराना है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चारों के चारों जो दीवार है उस सभी पर एक एक गेट बना हुआ है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हर एक गेट एक डिफरेंट रास्ते पे जाता है, यानी दोस्तों एक किसी रास्ते अलग रास्ते पर जा रहा है, एक किसी रूम में जा रहा है, एक किसी और दूसरे बिल्डिंग में जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कुछ खुफिया मार्ग भी बनाए है दोस्तों, वो सभी आत्मरक्षा के लिए और कुछ सेंसिटिव जो पर्सन है उनकी सुरक्षा के लिए बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत सालों पुराने दरवाजे दोस्तों, तोड़ने पर भी टूटेंगे नहीं। एक दरवाजा खोल के देखने वाले हैं डॉक्टर नंदकिशोर पाटिल सर, क्योंकि दोस्तों उनको इतिहास का बहुत सारा नॉलेज है, ये काम वही कर सकते हैं। तो सर खोलेंगे दरवाजा। ये दरवाजा खोलने के बाद अपन ऊपर की साइड में, यानी ऊपर जो पोर्च है, ऊपर जो कि जो भी बनाया हुआ है वो देखने के लिए अपन इस रोड इस रास्ते से जाएंगे। तो चलिए सर खोले, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम नीचे से ऊपर आए, इस भूलभुलैया से ऊपर आए और अभी हमें इधर जाना है, तो वहां से देखते हैं नीचे का व्यू कैसा है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से ऊपर से सब देखेंगे नीचे क्या क्या है, क्या मीटिंग शुरू है, कौन क्या बात कर रहा है। दोस्तों हमें सर ने बताया कि ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता था कि ताकि जो नीचे बैठकें चल रही है, जो बैठकें होती थी, उनका सीधा संपर्क सूर्य और चांद के रोशनी के साथ आए और वातावरण खुशनुमा बना रहे। देखिए दोस्तों हम अभी देशपांडे वाड़ा के सबसे ऊपरी भाग में अभी खड़े हैं, और यहाँ से अगर देखेंगे तो पूरा अंजनगांव दिखता है, पूरा
चारों भाग से अंजनगांव दिखता है। इस जगह इस वाड़े के चारों बाजू से 8 बुरुज थे। बुरुज यानी वहाँ पे कुछ सैनिक रह के गश्ती करते थे, यानी गांव जो कुछ भी यहाँ पर हल्ला होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो देखने के लिए वो लोग सब ऐसे खड़े रहते थे, सैनिक खड़े रहते थे। और ऐसे 8 बुरुज थे, वो अभी तो ध्वस्त हो गए, वो बहुत पुराने थे और उसमें के बहुत सारे जो मटेरियल था वो कम हो गया और वो अभी गिर गए थे। लेकिन 8 बुरुज थे और 8 बुरुज से यहाँ पर पहरेदारी होती थी। इसमें अगर देखेंगे तो ये पोर्च से पूरा अंजनगांव आपको दिखेगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस वाड़े के चारों बाजू में लगभग 8 बुरुज थे। दोस्तों बुरुज से इस वाड़े पर निगरानी रखी जाती थी और दोस्तों वाड़े में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी पूरी निगरानी वहां से रखी जाती थी। दोस्तों इससे पता चलता है कि इस वाड़े की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था प्राचीन काल में की गई थी। सबसे ऊपर के एरिया में जा रहा है, वहाँ से मेरे गांव का और पाटिल सर के गांव का यानी दोस्तों अंजनगांव सूरजी का ऐतिहासिक व्यू कैसे आता है तो देखते हैं। ऊपर जा रहा है अभी वहाँ से, ठीक है, तो ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, चलिए देखना तो पड़ेगा ही ऊपर क्या है। चलो आइए देखेंगे। एरिया देख रहे हैं ना, ये सूरजी है और इधर का है आधुनिक अंजनगांव सूरजी। दोस्तों ये जो एरिया देख रहे हैं ये अंजनगांव सूरजी का एरिया है। एक्चुअली दोस्तों दोनों सिटी डिफरेंट है क्योंकि दोस्तों अंजनगांव और सूरजी को बीच में जिसने डिवाइड करा है, जैसा कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान को LOC ने डिवाइड करा है यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, वैसे ही दोस्तों अंजनगांव और सूरजी को बीच में डिवाइड करने वाली नदी का नाम है शाहनूर। दोस्तों शाहनूर नदी, और शाहनूर के बारे में आपको बता दूं, शाहनूर नदी पर जो डैम बना है शाहनूर डैम, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो दोस्तों जरूर देखना, लिंक मैंने आई बटन पे दिए है, यहाँ पर वहाँ का एक व्लॉग है मैंने बनाया। दोस्तों धूप देख लो, इतने धूप में मैंने आपके लिए एक व्लॉग बनाया ऐतिहासिक है और डॉक्टर नंदकिशोर पाटिल सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए दोस्तों अंजनगांव और सूरजी ऐसे दो गांव मिला के गांव अंजनगांव सूरजी बना हुआ। अंजनगांव सूरजी का अगर आप देखेंगे तो सूरजी और अंजनगांव ये ऐसे अलग अलग क्यों गिरे हैं नाम, तो इसका अगर आप देखेंगे तो बीच में से शाहनूर नदी जाती है और नदी के उस पार सूरजी है, इस पार अंजनगांव है, ऐसे दो भाग यहाँ पर बनाए हुए। दोस्तों अभी देख सकते है ये अंजनगांव को पानी सप्लाई यानी वाटर सप्लाई करने वाली टंकी, और अभी इधर है दोस्तों यही से दिखती है सूरजी को वाटर सप्लाई करने वाली गवर्नमेंट की टंकी। दोस्तों दोनों डिफरेंट वाटर सप्लाई की टंकी एक ही जगह से अभी आप देख सकते हैं, इससे पता चलता है दोनों डिफरेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे माउंटेन की एक रेंज है, उसे कहते हैं सातपुड़ा रेंज। दोस्तों इसी सातपुड़ा माउंटेन रेंज पर दोस्तों दो ऐतिहासिक किले हैं, एक है गाविलगढ़ का किला जो कि चिखलदरा के आसपास है, और दोस्तों दूसरा है नरनाड़ा का किला। दोस्तों अपने ही गांव के इतिहास को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यह देश पांडे वाड़ा आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें बताएं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर नंदकिशोर पाटिल सर। दोस्तों यदि आप अंजनगांव सूरजी और विदर्भ के इतिहास के बारे में रुचि रखते हैं तो डॉक्टर नंदकिशोर पाटिल सर द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। दोस्तों पुस्तक का नाम है दर्शन जुड़ा शहरांचे। यदि दोस्तों आपको पुस्तक को खरीदना है तो लेखक के साथ जल्दी से जल्दी संपर्क करें, आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।
मैं यश अहेर दोस्तों आपसे मिलूंगा अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।